हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक लेके आई हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। ध्यान से देखना पूरी वीडियो को। देखिए, ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये आपको गिवन है कि 2x2 मैट्रिक्स है। ये आपको पता है 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2x2 मैट्रिक्स है। इसका अगर मैंने आपको डिटर्मिनेंट बताना है तो आप इसका डिटर्मिनेंट इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। आप कहेंगे मैम ये तो कोई डिफिकल्ट काम नहीं है कि 2 - 0 कर दिया, 2 इसका डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। बट देखिए, इसमें एक ट्रिक क्या है। ट्रिक ये चीज़ है कि अगर आप इसकी डायगनल एंट्रीज को आपने ऐसे लाइन लगा ली, तो अगर आपके डायगनल एंट्रीज के बाद यहाँ पे 0 आ रहा है, बाकी सारी एंट्रीज 0 हैं, तो आप क्या करेंगे, जस्ट सिंपली क्या करेंगे, डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली क्या करना है, 2 × 1 दैट इज 2। ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब ये देखिए, ये तो 2x2 मैट्रिक्स आप इजीली कर लेते हैं। अब ये मेरे पास आ गया कोई 3x3 मैट्रिक्स। मैंने जस्ट करना क्या है, डायगनल को ऐसे लाइन लगा ली। मैंने चेक करना है क्या ऊपर कोई डायगनल में सारी जीरो बन रही है, नहीं बन रही। क्या नीचे बन रही है, यस, यहाँ पे सारी जीरो बन रही है। तो मुझे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना है, 1 × 2 × 4 मेरे पास आंसर आ गया 8। तो मेरे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, दैट इज 8। और नॉर्मली हम डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, पहले हम 1 लेंगे और देन हम इसको करेंगे 8 - 0, फिर हम क्या करते हैं, फिर इसको -1 लेते हैं, फिर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर इसको लेते हैं, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और नॉर्मली हमारा जो है शॉर्ट में क्या फील होता है, देखिए 0 आ गया, दैट इज 8। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। देखिए, अभी एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन आया, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप क्या करेंगे, जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, आप नॉर्मली यहाँ पे 1 लिखेंगे, देन यहाँ पे ऐसे करेंगे, देन 2 - 0, इस तरह से आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। मैं आपका मेथड आपको बताती हूँ। 1 दैट इज 2 - देन 0 लिखेंगे, देन यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस होता है यहाँ पे साइन, तो -3 लिखेंगे, देन आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, देन 0 - 0 इस तरह से करेंगे, देन +2 लिखेंगे और देन फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से ही करेंगे और इसका करेंगे, दैट इज 0 - 0, तो आपका आंसर आएगा 2। यहाँ पे भी आप करेंगे, 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 2। अब आपने इसको कितनी देर में किया, देखिए यहाँ पे पहले आपने 1 लिखा, फिर आपने इसको कैंसिल आउट किया, फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, देन आपने ये किया, देन फिर आपने इस रो को लेके ये किया। अब सिंपली अगर मैं बोलूँ कि कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आया, आपका आंसर आया 2, आपको कम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, आपने किया क्या, इसको डायगनल एंट्री को देख लिया, यहाँ पे सारी 0 मिल रही है मुझे, और मेरा आंसर क्या होने वाला है, 1 × 2 × 1, आंसर विल बी 2। आंसर इज बी, आंसर इज ऑप्शन बी, 2। ये आपको डिसाइड करना है कि ये फॉर्मूला बेटर है या फिर ये फॉर्मूला बेटर है। मेथड्स दोनों गलत नहीं है, ये भी एक राइट वे है, ये भी एक राइट वे है, बट एग्ज़ाम में आपके पास बहुत कम टाइम होता है, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली, तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है। उसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। आप मुझे कमेंट करके बताइए ये शॉर्ट ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल है रही या नहीं रही, और आप और भी क्वेश्चन आप करके देखिए इस ट्रिक के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।